Morning students, today we read chapter 1 lesson number in which exercise 1.2 and the question number is represent these numbers on the number line. हम कोई numbers किस पे represent कर रहे हैं बेटा number line पे. In which first is 7/4. So look at the board. First of all आपको क्या करना है बेटा, आपको ये लिखना है कि क्या 4 का divide 7 में one time भी जा रहा है या नहीं जा रहा है. तो अगर जा रहा है तो अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपको दिख रहा है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 3, 1 3/4. ठीक है बेटा, अब इसका मतलब होता है 1 + 3/4. 1 3/4 का मीन्स क्या होता है, 1 + 3/4. इसका मतलब ये है कि जो नंबर है ये नंबर हमारा 1 से तो ज्यादा है, 1 प्लस है, 1 प्लस है, यानी कि 1 के बाद भी है, 1 + 3/4, यानी 1 से ज्यादा है, बट हमारा डिवाइड 2 टाइम नहीं गया था इसलिए ये नंबर 2 से कम है, 1 से ज्यादा है बट 2 से कम है. तो देखिए इसको नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे हमको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने से ये पता चल गया कि हमारा जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा. किस किसके बीच में रिप्रेजेंट होगा, 1 एंड 2. उसके आगे भी आप 0 लिख सकते हो, आगे भी नंबर लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है. ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शन को देखेंगे. हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, इस 1 का तो काम खत्म, इसने तो बता दिया कि 1 से आगे तो मतलब 2 से कम, यानी 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है. अब नंबर आता है हमारे फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन हमारा बचा 3/4, तो 3/4 में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 4. तो जितना डिनोमिनेटर होता है तो 1 और 2 के बीच में उतने हमको लाइन के पार्ट करने होते हैं इक्वली, तो हमारा डिनोमिनेटर है 4. तो 1 और 2 के बीच में जो लाइन है हम इसके 4 पार्ट कर देंगे. देखिए 1 2 3, 3 लाइन खींचने से 4 पार्ट हो गए. देखिए 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, हमने 3 लाइंस खींची तो एक लाइन के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए. हमको इक्वली इक्वली देखना है. ठीक है, अब ऊपर देखना हमारा न्यूमरेटर क्या है, 3. तो जो हमारा न्यूमरेटर है 3, नंबर हमारा उस न्यूमरेटर पे रिप्रेजेंट होता है. तो पॉजिटिव में हम काउंटिंग इधर से करेंगे और नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें काउंटिंग हम राइट टू लेफ्ट करेंगे और पॉजिटिव के लिए लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे. तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको कम नहीं मानना है, 0 मानना है. उसके बाद जो हमने डंडे खींचे हैं वो हमको काउंट करने हैं. तो ये लाइन हमारी 1, ये 2 और ये हमारी 3. तो हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर थर्ड पे. क्या नंबर लिखेंगे हम, 7/4. क्या नंबर क्या लिखेंगे हम, 7/4. तो दो तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, एक तो ये वे है जो आपने 7th क्लास में पढ़ाया था, एक वे और है बेटा इसका रिप्रेजेंट करने का कि हमारा नंबर है 7/4 तो पॉजिटिव है तो आप इसको 0 से लिखते चल जाओ, 0/4. 0/4 का मतलब सब बच्चे जानते हैं 0 ही होता है. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 को सब बच्चे जानते हो, 1 होता ही है, ये हमारा 0 है. 4/4 के बाद आएगा बेटा 5/4, 6/4 एंड 7/4. उसके बाद में ले सकते हो आप 8/4. 8/4 को आप जानते हो, जब 4 का डिवाइड हम 8 में देंगे तो ये 2 टाइम रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा नंबर आएगा 7/4, ये हमारा आंसर हो गया. तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रिप्रेजेंट कैसे करें. अब सेकंड वाला ले लेते हैं हम. सेकंड है हमारा -5/6. सेकंड नंबर है हमारा -5/6. तो -5/6 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये हमारा इम्प्रॉपर या प्रॉपर. हमें पता है 6 का डिवाइड 5 में 1 टाइम भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जब 1 टाइम भी नहीं जा रहा है तो ये 1 से कम है बट 0 से ज्यादा है, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा. और नेगेटिव नंबर हमको क्या दिखा रहा है कि ये नंबर लाइन में नेगेटिव की ओर शो होगा ना कि पॉजिटिव की ओर, यानी कि हम नंबर लाइन खींचेंगे 0 और 1, यानी कि 0 और -1, यानी का मतलब 0 और -1. अब हमको पता है जब नेगेटिव नंबर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं. ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 6, यानी कि 0 और -1 के बीच की जो लाइन है हम उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वो भी इक्वल इक्वल. तो 6 पार्ट खींचने के लिए मेरे को कितनी लाइन यहाँ पर डिनोट करनी पड़ेगी, 5, इक्वल इक्वल 1 2 3 4 5 लाइन को डिनोट कर दी. तो देखो पार्ट कितने हो गए हमारे,
1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स पार्ट हो गए नाइन के, ठीक है कि नहीं। तो नाइन के जब सिक्स पार्ट हो गए हैं तो ऊपर लग रहा है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव का रिप्रेजेंट करना है हमको, यानी कि फाइव ये तो जीरो है ही है, यहाँ से काउंट करना है हमको 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन सिक्स, ठीक है। और दूसरे वे में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि आप तो लिखते चलो जीरो से, जीरो अपॉन सिक्स नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड अपन को चलना है, पॉजिटिव था तो हम राइट साइड चल रहे थे, तो देखिए जीरो अपॉन सिक्स माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस टू अपॉन सिक्स माइनस थ्री अपॉन सिक्स माइनस फोर अपॉन सिक्स माइनस फाइव अपॉन सिक्स माइनस सिक्स अपॉन सिक्स। अभी तो जीरो तो जीरो होगी और माइनस सिक्स अपॉन सिक्स क्या हो जाएगा माइनस वन, कहने का मतलब नंबर तो हमारा जीरो माइनस वन के बीच में ही रिप्रेजेंट हो रहा है इस जगह पर, हो रहा नहीं हो रहा है, नंबर तो हमारा जीरो और माइनस वन के बीच में रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा माइनस फाइव अपॉन सिक्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपसे इस वे से करोगे या ये वे, बोर्ड में दोनों वे ही हमारे करेक्ट माने जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा रिप्रेजेंट माइनस टू अपॉन इलेवन माइनस फाइव अपॉन इलेवन एंड माइनस नाइन अपॉन इलेवन ऑन द नंबर लाइन, हमको इन तीनों को एक ही नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए अब इस तरह से खींचेंगे, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन खींची बेटा, अब ये सारे नंबर हमारे नेगेटिव हैं तो सारे ही जीरो से लेफ्ट की साइड रिप्रेजेंट होंगे, इधर तो हमने ले लिया अपनी जीरो, ठीक है। तो जीरो अपॉन इलेवन माइनस वन अपॉन इलेवन माइनस टू अपॉन इलेवन माइनस थ्री अपॉन इलेवन माइनस फोर अपॉन इलेवन माइनस फाइव अपॉन इलेवन माइनस सिक्स अपॉन इलेवन माइनस सेवन अपॉन इलेवन माइनस एट अपॉन इलेवन माइनस नाइन अपॉन इलेवन और बिल्कुल माइनस टेन अपॉन इलेवन माइनस इलेवन अपॉन इलेवन, ये हमारा माइनस वन कहलाएगा है माइनस इलेवन अपॉन इलेवन जो है, तो जीरो और माइनस वन के बीच में आ गए सारे यही नंबर हमारे, ठीक है। अब इसमें रिप्रेजेंट करते हैं माइनस फोर अपॉन इलेवन कहाँ है देखिए ये रहा फर्स्ट माइनस टू अपॉन इलेवन, उसके बाद माइनस फाइव अपॉन इलेवन कहाँ हमारा नंबर लाइन पे वो ये रहा माइनस फाइव अपॉन इलेवन, नेक्स्ट थर्ड हमारा माइनस नाइन अपॉन इलेवन कहाँ नंबर लाइन पे ही रहा, ये हमारे रिप्रेजेंट हो गए, ठीक है कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट फाइव रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन टू, यानी कि टू से छोटे फाइव रेशनल नंबर्स हमको लिखने हैं। तो आप दो प्रकार से, मतलब कई प्रकार है आपको पता है, दो से छोटे कई रेशनल नंबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं देखिए वन, वन से छोटा जीरो, उससे भी छोटा माइनस वन, उससे भी छोटा माइनस टू, उससे भी छोटा माइनस थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव के सबके नीचे अपॉन वन डाल रेशनल नंबर बन गए, ठीक है कि नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे, या आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हमारा टू है अपॉन में वन मानेंगे मानेंगे हम, ठीक है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का आपकी बन गई आप कितने का मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, भाई टेंशन रिड्यूस हो जाएगा नंबर में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर क्या बन जाएगा 20/10। तो 20/10 से छोटे नंबर देख लो, 20/10 से फाइव स्मॉलर नंबर कौन कौन से हो गए, फाइव स्मॉलर नंबर 10 20/10 20/10 से छोटे फाइव रेशनल नंबर लिख लो कौन कौन से लिख सकते हैं अपन बताइए, 19/10 18/10 तो न्यूमरेटर कम करते चले जाओ क्या दिक्कत आ रही है, 17/10 और 16/10 15/10 कितने भी ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, हमको क्या करना है -2/5 और 1/2 के बीच के 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कोई भी दो रेशनल नंबर चाहे वो लगातार आने वाले रेशनल नंबर क्यों ना हो,
जैसे कि 1 और 2 ले लो मान लो, तो 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो 1 और 2 के बीच में इंफिनिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। ध्यान रखें कि ये भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इंफिनिटिव अनंत। तो यहां पर हमसे उससे 10 को 6 घटाते हैं, निकाल लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा, रेशनल नंबर निकालने के टू वेज है, इन विच फर्स्ट वे हमारा सिंपली है, उसमें हमको क्या करना पड़ता है, -2.5 एंड 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे सबसे पहले। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा -4 एंड 2 5 जा 10, 5 बन गया 5। दोनों नंबर्स को आप अलग अलग लिख लो, -4/10 फर्स्ट नंबर, सेकंड हमारा हो जाएगा +5/10। अब आप देखिए पहले तो इनके बीच में आने वाले नंबर लिख दो कितने हैं, तो -3/10, -2/10, -1/10, 0/10 मतलब 0, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। कितने नंबर हो गए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बट हमको कितने फाइंड करने हैं, 10। तो अब हम क्या करें, हम हमको क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना होगा, नंबर को इंक्रीज करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा -4/10 उसमें मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 2 का, ठीक है। और सेम जो हमारा 5/10 है उसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। ध्यान रखें जिस नंबर का मल्टीप्लाई एलएचएस में किया है वही मल्टीप्लाई इनको आरएचएस में भी करना है, क्यों, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए, ये ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो जाए, न्यूमरेटर तो चाहे कुछ भी हो जाए आपका, और टू से ही मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से किसी भी डिजिट से कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से, हम किसी भी नंबर से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप जरूरी नहीं है कि 2 और 2 को ही मल्टीप्लाई करें, आप कोई भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर आपके नंबर 2 का मल्टीप्लाई करने से भी आपके 10 नंबर नहीं निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना, बीच के, तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए ये बन जाएगा हमारा -8/20 एंड ये बन जाएगा हमारे 10/20। अब इनके बीच के 10 रेशनल नंबर लेते हैं, कोई से भी 10 रेशनल नंबर ले सकते हैं आप, और इस बात का ध्यान रखें जरूर नहीं है आंसर हमारा आंसर शीट से मैच करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भी दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटिव रेशनल नंबर होते हैं, तो हो सकता है हमने कोई और नंबर लिख दिए हो और उनमें से बुक वाले ने आंसर शीट में कोई और नंबर लिख दिए हो, ठीक है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करना, आप कोई से भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ -7/20, -6/20, -5/20 एंड -4/20, -3/20, पॉजिटिव ले लो कुछ, 2/20, 3/20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4/20, 5/20, 7/20। आप कोई से भी नंबर ले सकते हो -8 से और 10 के बीच में आने वाले, -8 से और +10 के बीच में आने वाले कोई से भी रेशनल नंबर ले, तो आप 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और सेकंड फैक्टर जो है वो थोड़ा लंबा पड़ता है, उसके अंदर ये है कि हम मीन फॉर्मूलेशन निकालते हैं, किस फॉर्मूलेशन निकालते हैं उसको, मीन फॉर्मूलेशन। तो मीन फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन मेथड कहलाता है हमारा। मीन मेथड हमारा क्या होता है कि रेशनल नंबर जैसे कि Q1, रेशनल नंबर हम क्या मान रहे हैं, Q1 इक्वल टू A+B/2 करना होता है, इट्स मीन A+B × 2। तो देखिए Q1 क्या निकल के आएगा, जैसे कि नंबर हमने ले लिए -4/5 + 1/2, इन दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई करो 1/2 का, और इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकल के आ जाएगा, जैसे कि 5/2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, 5/2 का 10 हो गया -4 + 2, 5 का 10 आ गया 5 × 1/2, -4 + 5 क्या बचेगा, 5 - 4 = 1/10, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/20। तो 1/20 हमारा रेशनल नंबर हो गया Q1, Q1 आ गया 1/20, इट्स मीन हमारे पास -4/5 और 1/2
के बीच का एक रेशनल नंबर आ गया 1/20। अब हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल लेंगे या इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्यू टू निकालने के लिए जैसे कि मैं ले रहा हूँ ए, ये तो ए है हमारा, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू वन है, तो मैं ए और क्यू वन के बीच में निकालूंगा, तो ए प्लस क्यू वन लिखूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से, तो देखिए क्यू टू हमारा क्या आ जाएगा, -2/5 प्लस क्यू वन मेरा क्या आएगा 1/20, दोनों को प्लस करूंगा इनटू कर दूंगा 1/2 से। आपको बताया रेशियो नंबर को प्लस कैसे करते हैं, एलसीएम लेके, तो 5/20 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 20, 5 × 4 = 20, 4 × 2 = -8, प्लस 20/20 और 1/2 को करेंगे तो 5 × 4 = 20, 4 × 2 = -8, इनटू 1/2, -8 प्लस 1 करेंगे तो -7/20, 20 × 1/2 करेंगे तो -7/40, ये हमारा क्या आ गया Q2, यानी कि सेकंड रेशनल नंबर आ गया, ठीक है कि नहीं। जिसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि भाई -2/5 ए है हमारा और 1/2 बी है हमारा, ये है या नहीं है, तो इसके बीच में हमने दो निकालेंगे, एक तो क्यू वन निकाला था हमने, क्यू वन हमारा कितना आया था 1/20 आया था, फिर उसके बाद हमने क्यू टू निकाला जो कि ए और क्यू वन के बीच में है, जो कि निकल गया है -7/40, इस प्रकार से दो रेशनल नंबर आ गए। तो ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ता है, ये मीन मेथड कहलाता है। अगर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टू रेशनल नंबर या फोर रेशनल नंबर, फाइव रेशनल नंबर, कितने भी निकलवा रहा है और उसके ऊपर लिख रहा है बाय मीन मेथड, तब तो आपको इसी मेथड से करना होगा। अगर कुछ नहीं लिख रहा है, कुछ भी नहीं लिख रहा है, और नहीं लिख रहा है, जैसे कि इसमें लिख रहा था कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 and 1/2, तो हमारी ये मर्जी है कि हम मीन मेथड से निकालें या सिंपल वे में निकालें, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप मेरी बात सुनिए, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन, तो इनको भी आप सिमिलरली इसी प्रकार से निकाल सकते हो, इस मेथड से ये ज़्यादा इजी पड़ रहा है, इसी से निकाल देना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट फाइव रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को 3 करा था ना, हमने 2 से स्मॉलर देन नंबर लिखे थे, यहाँ पर हमको -2 से ग्रेटर देन नंबर लिखने हैं, तो ये उसी प्रकार से हो जाएगा, सिमिलरली आप इसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन डैश एंड डैश, और 7 वाला क्वेश्चन भी हमारा 4 की तरह होगा। सो नाउ योर एक्सरसाइज 1.2 इज कंप्लीट। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू वेरी मच।